हेलो यू पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ HR जॉब ओपनिंग्स के बारे में। गाइस, तो बहुत ही कम ऐसे जॉब पोस्टिंग देखने को मिलते हैं HR से रिलेटेड। तो यहाँ पे HR वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए हायरिंग चल रही है। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपेस कंसल्टेंसी के थ्रू यहाँ पे हमको आया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देती हूँ। गाइस, जैसे कि आप दबाते हो आपको ऐसा वाला इंटरफेस ओपन होने को मिलता है। ये कंपनी का उनका जो वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हायरिंग फॉर आउटपेस कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस वालों के लिए तक यहाँ पे हायरिंग चल रही है। 1 to 2 lakh पर एनम यहाँ पे सैलरी पैकेज होने वाली है। कम्प्लीटली यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है गाइस। HR रिक्रूटर्स फीमेल्स के लिए स्पेशली यहाँ पे हायरिंग किया जा रहा है, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है, मेल्स भी आप यहाँ पे CV शेयर कर सकते हो गाइस। अगर वैकेंसीज हो तो आपको यहाँ पे चांस दिया जाता है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। यहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर एन HR एग्जीक्यूटिव फीमेल कैंडिडेट, मस्ट बी फ्रॉम गोवा, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द बिलो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वर्क टाइमिंग्स होने वाली है 9:30 AM से लेके 6 PM। मंडे टू फ्राइडे होने वाला है, सैटरडे एंड संडे यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड होती है कि 10,000 सैलरी। प्रोबेशन पीरियड होता है तो 2 महीने के लिए होता है गाइस। तो ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके साथ जाके यहाँ पे आपका प्रोबेशन पीरियड 2 महीने के लिए स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर जो काम आप करते हो, जो टाइमिंग्स पे आप आते हो, जाते हो, लॉगिन करते हो एंड लीव्स लेते हो, सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन होती है गाइस, ठीक है। तो ये प्रोबेशन पीरियड पे डिपेंड होके आपका जो नेक्स्ट होती है ना जॉब, कंफर्म है कि नहीं है, परमानेंट है कि आपको जॉब देनी है नहीं देनी, यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। इट्स लाइक अ प्रोबेशन पीरियड, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का स्किल्स, एक एम्प्लॉय का बिहेवियर, एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, उसके बाद जाके उनको जॉब देनी है नहीं देनी है कंपनी के हाथ में होती है, ठीक है। एंड पोस्ट प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 13,000 प्लस इंसेंटिव्स, अगर प्रोबेशन पीरियड 2 महीने के बाद आपको यहाँ पे 13,000 प्लस इंसेंटिव्स मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स नीड टू हैव एन एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं HR रोल के लिए, उनके एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि बात करनी चाहिए उनको हर एक एम्प्लॉय से, हर एक कैंडिडेट से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो बोलते हैं बहुत अच्छे होना चाहिए। मस्ट बी रेडी टू वर्क विथ एक्सट्रीम डेडिकेशन। HR recruiters need to source the candidate as per direction of clients. जो clients हमको यहाँ पे clients क्या है guys, आपको free आपको एक simple language में बता देती हूँ। जो clients है, companies होते हैं guys, clients in the sense बड़े बड़े companies जो लोग उनको job employees को hire करते हैं, तो वो directly नहीं करते, third party के साथ कोई consultancy को दे देते हैं। consultancy HR के through यहाँ पे हमको जो मेरे जैसे कैंडिडेट से, आप जैसे कैंडिडेट से उनको हायर करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट की डायरेक्शन होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे HR जो होते हैं सेलेक्ट होते हो, तो HR तो वो उस चीज से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। मस्ट हैव अ लैपटॉप, नेट कनेक्शन एंड स्मार्टफोन। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास लैपटॉप होनी चाहिए, नेट कनेक्शन होनी चाहिए एंड स्मार्टफोन होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है गाइस, ठीक है। तो बेसिक नीड होती है यहाँ पे, लैपटॉप पे आपको वर्क किया जाता है, नेट कनेक्शन होना है एंड उसके बाद स्मार्टफोन, क्योंकि कॉल्स करने पड़ते हैं, कॉल्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पे देखो प्लीज मेल योर CV, यहाँ पे कुछ ईमेल ID मेंशन किया हुआ है गाइस, नोट डाउन कर लेना ये। उसके साथ ही साथ यहाँ पे CV व्हाट्सएप भी कर सकते हो गाइस, यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। एंड मैनेजिंग डे टू डे HR एक्टिविटीज, HR एवरीडे करते रहते हैं कैंडिडेट्स को, कॉल करते रहते हैं। अगर कैंडिडेट्स एग्री हो जाते हैं तो इनको इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, राइट, फॉलोअप करते हैं, वो पूरा आपको करना पड़ता है डे टू डे HR एक्टिविटीज, ठीक है। एंड यहाँ पे एंश्योरिंग द ऑनबोर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, अगर कोई कैंडिडेट एक एम्प्लॉय अगर सेलेक्ट भी हो जाता है तो उनको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरा होता है ना, तो वो पूरा मेक श्योर करनी है उनके साइड से, ठीक है। यहाँ पे ब्रीफिंग द कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट, जो भी टेस्ट है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू के शेड्यूल्स कैसे करनी है, क्या क्या है, सब कुछ आपको वन बाय वन कस्टमर के साथ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बोलनी पड़ेगी, कस्टमर इन द सेंस कैंडिडेट के साथ, ठीक है। तो वही शेड्यूलिंग द कैंडिडेट्स इंटरव्यू, मैनेजिंग टेस्ट शेड्यूल्स फॉर कैंडिडेट्स, मैनेजिंग एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, रेफरल मैनेजमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो जो रिक्रूटमेंट होते ही रहते हैं उसके साथ भी आपको वहां पे एवरीडे एक्टिव रहना पड़ता है, उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयज के साथ जो भी कम्युनिकेशन बात होती रहती है। जैसे कि गाइस आपने बहुत सारे यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं, कॉल्स करते रहते हैं HR को, ठीक है, कि पता करने के लिए कि नेक्स्ट राउंड क्या है, नेक्स्ट राउंड में आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो वो पूरा उनके पास
एक डेटाबेस होती है तो वो पूरा आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये होती है कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जॉब के बारे में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है गाइस, ठीक है। जरूर एक बार ट्राई करके तो देखो गाइस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आपको यहाँ पे 5 दिन काम करना पड़ता है, टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी है डे शिफ्ट में, 9:30 to 6 PM गाइस। यहाँ पे 10,000-13,000 प्लस इंसेंटिव्स, आपको आराम से 15,000 मिल जाता है यहाँ पे पर मंथ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का इस जॉब प्रोफाइल अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी जरूर लगा होगा गाइस। किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, HR से, फीमेल से, स्पेशली यू नो हाउसवाइफ से, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जॉब नीड सबको जरूरत है, ठीक है। तो अंटिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।